going to be about nerves, it's going to be about skills, son. Can't get bigger than this. Just gets into a very good position to be able to play this particular shot. कोविड-19 के बीच इंग्लैंड वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के साथ क्रिकेट लौट आया है। क्रिकेट लौटने के साथ ही कई खिलाड़ियों का बल्ला चला तो किसी ने बिना सलाइवा के ही बल्लेबाजों की नाक पे दम कर दिया। शेनन गैब्रियल, जर्माइन ब्लैकवुड, जैक क्रॉली पहले मैच के दिग्गज रहे। कोविड-19 के बाद बदले नियमों के बावजूद दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ियों ने झाम फाड़ परफॉर्मेंस दी, लेकिन पहला टेस्ट तो खत्म हो चुका है। तो अब क्या, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खिलाड़ियों की जो दूसरे टेस्ट के पहले दिन गेम चेंजर बन सकते हैं, यानी आज का गेम चेंजर। दूसरे टेस्ट के पहले दिन का गेम चेंजर बनने के लिए वैसे तो कई दावेदार हैं, लेकिन जिन दो खिलाड़ियों पर हम सबकी नजर रहेंगी वो है ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर जेसन होल्डर और बेन स्टोक्स। इन दोनों ही स्टार्स ने साउथहैम्पटन के एजिस बाउन में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट में अपनी अपनी टीमों की कप्तानी की। होल्डर ने टीम को जीत दिलाई जबकि बेन स्टोक्स अपनी टीम की तरफ से बेहतरीन रहे। टेस्ट के आखिरी दिन तक खिलाड़ियों की हालत बुरी से बुरी होती है, जबकि पहला दिन उनकी फिटनेस के लिहाज से सबसे शानदार होता है। पहले दिन वैसे तो सभी खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे, लेकिन दी लल्लन टॉप की नजर में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के गेम चेंजर जेसन होल्डर और बेन स्टोक्स हो सकते हैं। जेसन होल्डर क्यों? जेसन होल्डर मौजूदा समय में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान और मौजूदा टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं। होल्डर ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं, साथ ही वो ICC बॉलर्स की रैंकिंग में भी दूसरे स्थान पर हैं। जेसन होल्डर ने पहले मैच में सिर्फ कप्तानी नहीं की बल्कि गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में ही मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। होल्डर ने मैच में कुल 7 विकेट चटकाए, इनमें से 6 विकेट तो पहले ही पारी में आ गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करना होल्डर को वैसे भी काफी पसंद है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 9 टेस्ट मैचों में 25.93 के औसत से 30 विकेट चटकाए हैं। उनके इस शानदार प्रदर्शन की वजह से ही वो पहले दिन के खेल में गेम चेंजर हो सकते हैं। आप समझिए कि बेन स्टोक्स क्यों। ICC की टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में स्टोक्स होल्डर के ठीक नीचे नंबर 2 पर है। हाल के महीनों में वो इंग्लिश टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, ICC के बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्टोक्स टॉप 10 में भी आते हैं। जहां जेसन होल्डर का दबदबा गेंदबाजी में भी दिखता है, वहीं बेन स्टोक्स बल्ले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पहले टेस्ट में भले ही स्टोक्स टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। स्टोक्स ने पहले टेस्ट में 89 रन बनाया और 6 विकेट भी चटकाए। इस मैच में भी इंग्लैंड टीम उन पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए कुल 64 टेस्ट में 4145 रन बनाए हैं, जबकि 153 विकेट भी अपने नाम किए हैं। होल्डर ने वेस्ट इंडीज के लिए 41 टेस्ट में 1917 रन और 113 विकेट चटकाए हैं। खैर, पहले टेस्ट में देखा जाए तो इन दोनों खिलाड़ियों की टक्कर में जेसन होल्डर की टीम ने बाजी मार ली। सीरीज के दूसरे मुकाबले में देखना होगा कि होल्डर और स्टोक्स में कौन शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम के लिए गेम चेंजर बनता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कि कौन होगा दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का गेम चेंजर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए क्रिकेट की बमचक। शुक्रिया।